가장 중시하는 정책적 문제라고 거듭 강조하셨습니다. एक ऐसा देश जिसके बारे में जानकर वहां जाने के सपने तो हर कोई देखता है, पर वहां कोई जाना नहीं चाहता। जहां का राजा ही वहां का भगवान है और उसके बनाए अजीबोगरीब कानून ही वहां पर चलते हैं। उसे वर्जन लड़की इतनी ज्यादा पसंद है कि उनकी चीखों को सुने बिना उसे नींद नहीं आती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के अलग थलग पड़े देश नॉर्थ कोरिया की, जहाँ का तानाशाह किम जोंग उन ही वहाँ का सब कुछ है। दोस्तों बता दे, किम जोंग का मन जब नॉर्थ कोरिया की सभी लड़कियों से भर गया, तो अभी हाल ही में जब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए थे, तब किम ने अपने मजे के लिए व्लादिमीर पुतिन से कहकर कुछ रशियन लड़कियों को अपनी सर्विस के लिए बुलाया था। आज की इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग की अय्याशी और क्रूरता की वो सभी बातें बताने वाले हैं जिनसे आज भी दुनिया अनजान है। दोस्तों, अभी हाल ही में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए थे, तो नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच कई तरह की डील्स हुई, जैसे कि बिजनेसेस से लेकर डिफेंस तक हर तरह की डील्स हुई। और जाते समय पुतिन ने किम जोंग को कुछ ऐसा नायाब तोहफा दिया जिसे देखकर किम ने रशिया के साथ अपना व्यापार दोगुना कर दिया। ये तोहफा था रशियन लड़कियों का। दोस्तों, किम जोंग अपने देश का ही टेस्ट लेते लेते बोर हो चुके हैं। आपको बता दें कि जब किम जोंग सितंबर 2023 में रशिया के दौरे पर गए थे, तो उन्होंने वहां की खूबसूरती देखी। अब उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे कि हम किस खूबसूरती की बात कर रहे हैं। किम जब रशिया के विजिट पर थे और जब वहां वो पुतिन के गेस्ट हाउस में रुके, तो वहां उनकी रशियन गर्ल्स ने जमकर खिदमत की थी और उन लड़कियों ने किम को हर वो चीज दिखाई जो किम को देखना पसंद थी, जिसके चलते किम वहां की लड़कियों के दीवाने हो गए थे। और इसलिए ही इस बार जब व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया के दौरे पर आए, तो उन्होंने किम जोंग को उनकी पसंद की चीज गिफ्ट की। बता दे कि कुछ महीनों पहले किम ने ब्राजील से कुछ हसीनाएं मंगवाई थी। इन्हें स्मगलिंग के जरिए नॉर्थ कोरिया तक लाया गया था। इन लड़कियों का काम ये होता था कि जब भी किम की नींद खुले, तो उन्हें बिना किसी दिक्कत के फ्रेश होने से लेकर नहलाने तक का सारा काम करे और इस बीच किम के मूड का भी ख्याल रखे। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि उस समय किम को स्टीटोसिस रोग हुआ था, जिसके चलते उन्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला था। बता दे कि ये एक ऐसी डिसीज है जो कि अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से होती है। दोस्तों, किम पूरी तरह से अल्कोहल के एडिक्टिव हो चुके हैं। उनका दिन अल्कोहल के साथ शुरू होता है और रात शैंपेन के साथ खत्म होती है। उन्हें विदेशी शराब बहुत ज्यादा पसंद है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किम एक साल में 35 मिलियन डॉलर सिर्फ विदेशों से शराब को इंपोर्ट करने में खर्च कर देते हैं, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 292 करोड़ रुपयों के बराबर होते हैं। उनकी सबसे फेवरेट अल्कोहल रूसो बेल्टिक वोडका है, जिसकी एक बोतल की कीमत 1.3 मिलियन डॉलर्स होती है। वो जब भी अल्कोहल का सेवन करते हैं, उसके साथ वो फैंटेसिया सिगरेट्स भी पीते हैं। बता दे कि सिगरेट की एक डिब्बी की कीमत 22 डॉलर्स होती है और इसे भी विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है, और इंपोर्ट करने के बाद इसकी एक डिब्बी की कीमत 70 डॉलर्स तक हो जाती है। और ये सब नशे करने के कारण ही किम को स्टीटोसिस डिसीज हुई थी, जिसके चलते डॉक्टर्स ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए एडवाइस दी थी। उस समय किम जोंग की पत्नी रिसोल्जू ही किम की पूरी देखरेख करती थी और किम की बहन किम यो जोंग उनके सभी कामों को संभालती थी, क्योंकि किम जोंग ने किम यो जोंग को नॉर्थ कोरिया की सत्ता में अपने बराबर का हिस्सा दे रखा है और इसी वजह से किम यो जोंग और रिसोल्जू में ज्यादा नहीं बनती है, इसलिए दोनों को एक साथ में बहुत कम देखा जाता है। और जब भी कोई पब्लिक इवेंट होता है, तब भी दोनों को बहुत कम बार ही साथ में देखा जाता है, और जब कभी भी दोनों साथ में होती हैं, तो रिसोल्जू को जबरदस्ती पब्लिक में ये दिखाना पड़ता है कि उनके और उनकी सिस्टर इन लॉ यानी कि किम यो जोंग के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। पर असल में तो दोस्तों ये किम जोंग का खौफी है, जिसके चलते रिसोल्जू को ये सब करना ही पड़ता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का लिटरेसी रेट 100% है, यानी कि वहाँ की पूरी आबादी पढ़ी लिखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया में एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है। वहाँ की किताबों में अपना एक अलग ही इतिहास चलता है, जिसमें बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित देश है और सभी वेस्टर्न कंट्रीज हमारी दुश्मन है। इसके साथ ही वहाँ के स्टूडेंट्स का बचपन से ही ब्रेन वॉश किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि तुम बहुत लकी हो जो तुमने नॉर्थ कोरिया में जन्म लिया।
साथ ही उन्हें बताया जाता है कि किम जोंग हमारे भगवान हैं और ऐसा कभी भी कुछ भी मत करना जिससे हमारे भगवान हमसे गुस्सा हो जाएं। दोस्तों आपको बता दें कि महीने में एक बार किम नॉर्थ कोरिया के बड़े बड़े कॉलेजेस में विजिट करते हैं और अगर उन्हें वहाँ कोई भी लड़की पसंद आ जाए तो वो उसे अपने महल में आने के लिए इन्वाइट करते हैं। बता दें कि किम जोंग की हर बात हर किसी को माननी ही पड़ती है क्योंकि उन्हें बचपन से ही यही सिखाया जाता है। कॉलेजेस में जो भी लड़कियां किम को पसंद आती है उनकी उम्र 18 साल से लेकर 21 साल के बीच होती है और किम को इस उम्र की लड़कियों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती है, हर एक चीज की एक कीमत होती है। उसी तरह से यहाँ पर पढ़ाई की भी कीमत है और वो है नॉर्थ कोरिया के कॉलेजेस में पढ़ने वाली लड़कियाँ। दोस्तों किम जोंग को लड़कियों का कितना ज्यादा शौक है ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। उन्हें सबसे ज्यादा कॉलेज की छोटी लड़कियां पसंद है। इसके अलावा भी किम को सबसे ज्यादा मजा नॉर्थ कोरिया की आर्मी की लड़कियों के साथ आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया की आर्मी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग्स में से एक है, इसलिए उन्हें कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है। अब क्योंकि आर्मी में जो लड़कियां आती हैं वो एकदम फिट होती हैं, उनका स्टैमिना नॉर्मल लेडीज के कंपैरिजन में 3 गुना होता है जिसके चलते वो जल्दी थकती नहीं है। नॉर्थ कोरियन आर्मी में ज्वाइन होने के लिए लड़कियों को केवल फिट और खूबसूरत होना चाहिए। दोस्तों वैसे तो किम जोंग को शबाब का इतना शौक है कि उन्हें एक बार में 4 लड़कियां चाहिए होती हैं, उससे कम में उनकी भूख नहीं मिटती है। लेकिन अगर उनकी सेना की लड़कियां हो तो किम का एक में ही एक बार का डोज पूरा हो जाता है। दोस्तों किम के पूरे दिन का शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी रहता है पर शाम के समय अक्सर किम नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के कुछ पॉश एरियाज में घूमने के लिए निकलते हैं। शाम के समय इसलिए क्योंकि शाम को ही मार्केट में शॉपिंग करने के लिए लोग आते हैं और इस दौरान अगर किम को कोई भी लड़की पसंद आ जाए तो वो इसकी खबर अपने स्टाफ को देते हैं जो कि उस लड़की को जबरदस्ती नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी के पद पर ज्वाइनिंग करवा देते हैं। उनकी पोस्टिंग अक्सर प्योंगयांग सिटी में ही होती है जहां पर किम का आलीशान महल बना हुआ है और जब कभी भी किम का मूड बनता है तो उन्हें बुला लिया जाता है और आगे क्या क्या होता होगा वो आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों किम जोंग इतने बड़े अय्याश हैं कि उनकी सुबह भी लड़कियों से होती है और रात भी लड़कियों से। कहते हैं कि रात में जब तक किम विदेशी लड़कियों की चीखें न सुन ले तब तक उन्हें नींद नहीं आती है। बता दें आप जब कभी किम को चलते हुए देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो पैरों को बड़ी ही अजीब तरह से फैलाकर चलते हैं। अब जब आप दिन रात मजे लोगे तो चाल तो बिगड़ेगी ही, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। दोस्तों किम जोंग अय्याश तो है ही पर उससे भी ज्यादा वो क्रूर है और इनकी क्रूरता का एक नमूना साल 2010 के फीफा वर्ल्ड कप में देखने को मिला था। दरअसल दोस्तों 2010 के फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्थ कोरिया के 3 मैच होने थे लेकिन मैच शुरू होने से पहले जब नॉर्थ कोरिया का नेशनल एंथम हो रहा था तभी ये प्लेयर्स रोने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी भी टीममेट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उनकी टीम हार गई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और आगे हुआ भी कुछ ऐसा ही और अनफॉर्चुनेटली वो 3 मैच हार गए जिसके बाद वो अपने देश नॉर्थ कोरिया वापस चले गए और इसके बाद से फिर उनमें से किसी को भी दोबारा नहीं देखा गया। दोस्तों ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी किम के एक विशेष सलाहकार ने किम की पर्सनल बातें हंसी हंसी में अपने दोस्तों को बता दी थी जिसके बाद ये सारी बातें आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई और जब किम जोंग को इसके बारे में पता चला तो किम ने ऑफिशियली तरीके से उसे जॉब से निकाल दिया। लेकिन उस दिन के बाद से उस शख्स को दोबारा पूरे नॉर्थ कोरिया में कहीं पर भी नहीं देखा गया। दोस्तों आपको बता दें कि ये घटना साल 2014 में हुई थी और जब ये घटना हुई तो उसके बाद से किम जोंग ने अपने पर्सनल गार्ड्स और अपनी सेवा में लगे हुए लोगों के लिए कुछ रूल्स निकाले, जैसे कि जो भी किम जोंग के महल में एक बार आ जाएगा तो वो जिंदगी भर महल में ही काम करेगा, उसे अपने परिवार से भी नहीं मिलने दिया जाएगा। हालांकि उसके परिवार का किम की सरकार पूरा ख्याल रखेगी। इसके अलावा एक रूल ये भी था कि नौकरी के समय कोई भी इंसान मोबाइल नहीं रखेगा और अगर किम की सेवा में लगे लोगों में से किसी ने भी इनमें से किसी भी रूल को नहीं माना या चोरी चुपके से भी किम के नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो उसकी सजा ज्यादा कुछ नहीं होगी, बस सिर्फ इंसान की जान ही जाएगी। बता दें अपने स्टाफ के अलावा नॉर्थ कोरिया की आम जनता के लिए भी किम ने कई तरह के नियम बना रखे हैं जिन्हें नॉर्थ कोरिया के लोगों को फॉलो करना ही होता है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 18 तरह के हेयर स्टाइल्स मौजूद हैं जिसमें से 8 पुरुषों के लिए और 10 महिलाओं के लिए हैं और इन हेयर स्टाइल्स में से ही किसी एक हेयर स्टाइल को नॉर्थ कोरिया के लोगों को मजबूरन चुनना पड़ता है और नॉर्थ कोरिया में आप ज्यादा बड़े बाल नहीं रख सकते। इसके अलावा अगर नॉर्थ कोरिया में कोई भी व्यक्ति जुर्म करता है तो उसके साथ साथ उसकी 3 पीढ़ियों को भी उसके जुर्म की सजा भुगतनी पड़ती है। साल 2015 में किम जोंग ने सभी फिल्मी कैसेट, टेप और सीडी को रद्द करने का एक फरमान जारी किया
और अगर उन्हें कोई देखता हुआ पाया जाता है तो उसे सीधे फांसी की सजा दी जाती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में अगर आपको लैपटॉप, कंप्यूटर या वहाँ की राजधानी प्योंगयांग सिटी में चलाने के लिए कार या इनमें से कुछ भी लेना है तो उसके लिए आपको वहाँ प्री गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे नियम कायदे और कानून को देखकर तो ऐसा लगता है कि हमारा जन्म सही जगह पर हुआ है, और वो बहुत ही बदकिस्मत लोग होते होंगे जिनका जन्म नॉर्थ कोरिया में होता होगा, जबकि वहाँ के लोगों को बोला जाता है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा जन्म नॉर्थ कोरिया में हुआ है। खैर दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद आपका क्या कहना है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की अय्याशी और क्रूरता के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।